सिरसा में छात्र छात्राओं ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। छात्र छात्राओं और अध्यापकों को शत प्रतिशत मतदान की शपथ दिलाई गई। प्रोफेसर जगदीश चंद्र ने बताया कि जिनकी उम्र 18 साल हो गई है वो अपने मत का उपयोग जरूर करें और बिना किसी लालच में भय के मतदान करें। सिरसा में जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त आरके सिंह के दिशा निर्देश के अनुसार मतदाताओं को जागरूक करने के लिए छात्र छात्राओं ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। छात्र छात्राओं और अध्यापकों को शत प्रतिशत मतदान की शपथ भी दिलवाई। इस अवसर पर प्रोफेसर जगदीश चंद्र ने बताया कि रैली निकालने का मकसद मतदाताओं को जागरूक करने के साथ साथ जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है वो अपने मत का उपयोग अवश्य करें और बिना किसी लालच में भय के मतदान करें। हमारा उद्देश्य ये है कि जो सरकार के द्वारा स्वीप प्रोग्राम चलाया गया है उसमें लोगों को जागरूक करें कि वो 100% वोट मतदान करें और मतदाता को घर घर जाकर भी समझा रहे हैं। कुछ हमारे स्कूल के बच्चों की टीम भी मैंने तैयार की है जो बच्चे डोर टू डोर जा रहे हैं और जहां पर मतदान कम हुआ है पीछे जो सरकार की तरफ से आंकड़े कुछ प्राप्त हुए हैं कि मतदान कम हो रहा है तो हमने घर घर जाकर उन लोगों को समझाया है कि मतदान करना बहुत जरूरी है। वही छात्र छात्राओं ने बताया कि आगामी 1-2 साल में उनकी उम्र भी 18 वर्ष हो जाएगी और वह भी इस रैली के माध्यम से अपने जैसे युवाओं को जब वह 18 वर्ष के हो जाएंगे अपना वोट बनवाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा मतदान हो इसलिए घर घर जाकर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। हमारी रैली का विषय है कि आज हम लोगों के घर घर जाके उन्हें जागरूक करना चाहते हैं कि वो बिना किसी लालच के वोट करें, हमें मतदान करें। मतदान करेंगे तो देश तरक्की की ओर बढ़ेगी और यही कारण है, इसीलिए प्लीज़ वोट कीजिए। आज हम घर घर हर घर में रैली निकाल रहे हैं, हमारी कॉलोनी में हम जा रहे हैं, वहाँ पे हम सबको यही बता रहे हैं कि मतदान करें बिना किसी लालच के और हम अब सही चुनाव करते हैं तो आगे जाकर हमारा भविष्य भी सही रहेगा, जो गरीब लोग हैं उनकी भी मदद होगी। बहरहाल रैली द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है कि वह बिना किसी लालच और भय से मतदान कर लोकतंत्र को और मजबूत बनाए। जिनकी 18 वर्ष की आयु हो चुकी है वो अपना वोट अवश्य बनवाएं। टोटल टीवी के लिए सतनाम सिंह की रिपोर्ट।